ऑलराइट हे गाइस, व्हाट्सअप एवरीबॉडी। और आज सबका वेलकम है मेरे ट्यूटोरियल में। और जो आज बात होनी है वो है मेरी जो नई फ़ोटो आई है इंस्टाग्राम पे। आप अगर आपने नहीं देखी है तो मुझे ज़रूर फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। तो आज उसी की एडिटिंग की बात होने वाली है। और बहुत दिन से हर बंदे के मैसेज थे कि भाई पिक्स आर्ट में एडिट करके दिखाओ, पिक्स आर्ट में। तो यार आज लो फाइनली पिक्स आर्ट में एडिट हो रही है फ़ोटो। और आज जिस इसको देखना हो कि कैसे होती है भाई, सिंपल सिंपल तरीके हैं, इतने हार्ड नहीं होते हैं। मैंने तो आपके साथ PNG तक शेयर कर रखे है यार, PNG से तो डायरेक्ट बन जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं अपने आप का कटआउट डालता हूँ और ये हटाता हूँ। ये तो फ़ोटो ही थी। तो यहाँ मैंने अपनी फ़ोटो एक बल्ब के अंदर खींच रखी है। बल्ब ऊपर था तो मैं उसके नीचे बैठ के फ़ोटो खींच रखी है। और सिंपल थी, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं थी फ़ोटो खींचनी। ट्राईपोड पे लगा के मैंने फ़ोटो खींच दी थी। अब यहाँ ये परफेक्ट लग रहा है मुझे, ठीक है। उसके बाद मैं एक और बार ऐड फ़ोटो करता हूँ और यहाँ से ऐड करता हूँ मैं वॉल को। तो वॉल ऐड कर दी है मैंने क्योंकि मेरे को चाहिए था यहाँ एक एस्थेटिक लुक वॉल का। तो यहाँ वॉल भी ऐड हो चुकी है। अब उसके बाद एक और ऐड करता हूँ। ये सारी PNG है और ये आपको मिलेगी अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करा होगा। और टेलीग्राम ग्रुप आपको कहाँ मिलेगा, मेरे इंस्टाग्राम की बायो में जब आप जाओगे तो वहाँ आपको हाउ टू एडिट नाम से चैनल मिलेगा। तो वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है यार, आपके लिए फ्री में रखा हुआ है। किसी बंदे को के लिए ऐसे नहीं है कि पैसे में है, ये है वो है, सब फ्री है यार। आप सबके लिए ही बनाया मैंने कंटेंट। तो यहाँ ये अच्छे से मैं रॉड को अलाइन कर देता हूँ पहले। तो यहाँ मेरे को लग रहा है थोड़ा सा और, वो सॉरी अभी थोड़ा नया हूँ मैं पिक्स आर्ट चलाने में। अब ये जो पाइप आपको दिख रहा है शेडो की तरह एक्ट करेगा मेरे रॉड के लिए। तो इसे जब इतना सा कर दूंगा तो ये आपको शेडो की तरह दिखेगा, हाईलाइट भी बनेगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने ऐड कर दिया। अब ये फ़ोटो बहुत अच्छी दिख रही है मेरे को। सारा काम यहाँ पे बस एक बैकग्राउंड का था कि अगर आप पे बैकग्राउंड अच्छा नहीं होगा तो यार आपकी फ़ोटो अच्छी दिखेगी ही नहीं। उसके बाद ऐड फ़ोटो करनी है और फिर ये फ्लेम की PNG लेनी है आपने। और फ्लेम की PNG को थोड़ा ज़्यादा बड़ा करना है आपने और उसे रॉड के पास लगाना है ऐसे, ठीक है। जब आप लगा दोगे तो उसके बाद आपको यहाँ आना है ब्लेंड मोड में, ब्लेंड एंड स्क्रीन कर देना है जस्ट। और स्क्रीन करते के साथ ही बूम यार आपकी फ़ोटो बहुत फाड़ दिखेगी। उसके बाद इसमें डालने हैं मुझे कलर। तो यहाँ से मैं सबसे पहले चुनता हूँ एडजस्टमेंट्स। और अभी एडजस्टमेंट को रहने देता हूँ, पहले आपको एफएक्स में लेके चलता हूँ। एफएक्स में यहाँ मेरे को यूज़ करना होता है जो सबसे अच्छा दिखता है इसमें यार, ये MV4 एंड MV3, इनमें से यूज़ करेंगे आपको तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा सा फेड डाल देता हूँ अराउंड 40 का। और यहाँ 40 का फेड देख सकते हैं आप कितना अच्छा दिख रहा है। अब उसके बाद टूल्स में आना है, एडजस्ट में जाना है आपने और यहाँ से ब्राइटनेस को सिलेक्ट करके थोड़ा सा इंक्रीज करना है कि फ़ोटो आपकी दबे ना। और फिर क्लैरिटी में जाना है जितने हिसाब से आपको चाहिए उतना, अराउंड 25 तक ज़्यादा होता है, 15 तक रहने दीजिए आप, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ़ोटो कंप्लीट हो गई है यार, आप देख सकते हैं पिक्स आर्ट में कितने इजीली से मैंने बना के दिखा दिया आपको ये फ़ोटो। जस्ट आपको पोज सही से करना है और चीज़ें लाइट वाइट सही से देखनी है कि आप 100 वाट वाला जो बल्ब होता है आप उससे भी कर सकते हैं। और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें क्योंकि 100 वाट की तरह मेरे चैनल को भी थोड़ा चमका दो यार। सो थैंक यू गाइज इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।